शजरी ममनू एपिसोड 11। आले साहब जो के यल्डिस की ख्यालों में खोए होते हैं, दूसरी तरफ आली अपने घर में परेशान बैठी होती क्योंकि अब उसकी डिवोर्स भी हो गई होती है। हालत से कोर्ट जो है फैसला दे देती है, दोनों की डिवोर्स हो जाती है। वो जो करीम को मैसेज करती है कि करीम मुझे तुमसे मिलना है बेटे, करीम स्कूल में होता है, अपना मोबाइल देखता है और मॉम का जब वो मैसेज देखता है कहता है चलो ठीक है, मैं जो स्कूल के पास मेरे कैफे है वहाँ पे मिलते हैं, 2 घंटे के लिए मैं आपसे मिलूंगा। आलिया कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। आलिया साहब जो अपने ऑफिस में परेशान बैठे होते हैं, जहरा की कॉल आती है और कहते हैं कि पापा मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, मैंने इसलिए कॉल की है। वो कहते हैं कि मैं परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं मसरूफ हूँ। वो कहती है मैं बस पूछना चाह रही थी आज आपकी कोर्ट में हेयरिंग थी तो क्या हुआ। तो आलिया साहब बताते हैं कि आलिया की मेरी डिवोर्स हो गई है। ये सुन के जहरा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सीधा आलिया के कमरे में जाती है और जाके कहती है कि बिला वजह तुमने इतने कपड़े लिए, इतने पैसे ज़ाया किए मेरे पापा के, लेकिन चीज़ें तो तुमने अच्छी ली हैं। वो उसकी चीज़ें जो है ले लेके देखना शुरू कर देती हैं जो आलिया के कमरे में पड़ी होती हैं। करीम जो है कैफे में जाता है आलिया से मिलने, आलिया साहब वहाँ पर पहले ही पहुँच जाती हैं। करीम का जो ड्राइवर है जब वो देखता है कि ये कैफे में छुप के आलिया से मिल रहा है तो वो सजील को कॉल करता है, सजील ड्राइवर को जो कि आलिया साहब का ड्राइवर है, और बताता है कि करीम साहब इस तरह मिल रहे हैं आलिया साहिबा से। वो कहता है ठीक है तुमने अच्छा किया इरफान जो मुझे बता दिया, और वो जाके सीधा जो है आलिया साहब को बताता है कि ऐसे करीम साहब आलिया साहिबा से मिल रहे हैं। आलिया साहब कहते हैं कि ठीक है मिलने दो उसको, ऐसा समझने दो करीम को कि बिल्कुल फ्री है, वो फ्री होके कोई उसको देख नहीं रहा, वो जो कर रहा उसको करता रहने दो। सजील कहता है जैसा आप कहें। करीम कहता है कि मोम आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो कहती बेटा मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहते हैं कि मुझे एक दिन नहीं समझना, मुझे अभी ही समझना, आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया। आपने मुझसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा और घर छोड़ के चली गई और अब आपने मुझे यहाँ बुला लिया है। वो कहते हैं करीम बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, ये याद रखो सिर्फ तुम ही हो एक जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझसे अगर तुम मुझे रोज़ मिलते रहो तो मैं ठीक रहूँगी, तुम्हें भूख लगी होगी तुम्हारे लिए मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। और फिर वो करीम के लिए खाना मंगवाती है। दूसरी तरफ करीम से मुलाकात करके आलिया घर पहुँचे तो कोहर वहाँ पे आता है और कहता है कि कब तक इस तरह परेशान बैठी रहोगी। वो कहते हैं मैं तंग आ चुकी हूँ इस गरीबी से, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुकी हूँ मैं, कब तक ये ड्रामा चलेगा। उस हालत ने मुझे तलाक दे दी, मुझे एक कोटी कोड़ी तक नहीं दी, मेरा सब्र जो है जवाब दे चुका है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं ऐसी पागलों की तरह पार्टियों में जाती हूँ पहन पहन के कपड़े, कोई मकसद नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए मुझे। कौन कहता है कि आज शाम एक पार्टी है वहाँ पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। अली कहती मैं नहीं जा रही, ना मेरे पास पैसे हैं, अब इन सब चीज़ों से क्या हाल निकलेगा। वो कहते हैं कि सब्र से काम लो, आपने जो अंगूठी पहनी हुई इसको बेच दो और बेच के हम ऐसे शो करेंगे जैसे हमारे पास लाखों रुपये हैं, पार्टी में जाके ऐसे शो करेंगे। आलिया कहती मैं ये अंगूठी नहीं बेचूंगी, ये मैंने छुपा के एक रागी, नहीं तो हाल ये भी ले लेता। वो कहते हैं अंगूठी आप बेच दें, बेचना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। आखिर आलिया जो है कहती है ठीक है तुम इसके बदले में जो भी नकली अंगूठी ला दो ताकि मैं शोर शाह तुम मार सकूँ। और कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा नकली अंगूठी और ये अंगूठी मुझे दे दें ताकि इसको मैं बेच के हम अपने अगले नए मनसूबे का आगाज करें। यिल्डिज और जैनब बैठी होती हैं, जैनब कहती दोबारा तो उस हालत ने तंग नहीं किया। यिल्डिज कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जैनब कहती है हाँ वैसे भी उसके लिए कोई लड़की की कमी है, कोई और ढूंढ ली होगी उसने। यिल्डिज कहती है क्या बात कर रही हो तुम, वो हालत सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यिल्डिज जैनब कहती है तुम्हें इस बात पर क्यों गुस्सा आ रहा है कि ऐसा नहीं है, वो अमीर आदमी है, वो कई लड़कियां कर सकता है, कई बहुत सी लड़कियां उसके पीछे होंगी। यिल्डिज कहती तो ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ, उसके गुस्से से वहां से चल जाती है। जैनब कहती लो तुम्हें क्या हुआ है। यिल्डिज कहती कुछ भी नहीं और जाके अपने कमरे में बैठ जाती है। आलिया साहब जहरा और करीम साहब बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। खाना खा के जो करीम कहता है कि मुझे होमवर्क करना पापा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आलिया साहब कहते हैं ठीक है मुझे तुमसे बात भी करनी, मैं भी आता हूँ खाना खाकर। जहरा कहती है पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कहते जी बताओ क्या बात है। वो कहते हैं कि वो आलिया तो चली गई है, उसके कपड़े और उसकी ज्वेलरी यहाँ पर ही है, ज्वेलरी मुझे उसकी चाहिए थी। आलिया सर कहते हैं कि इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, अभी इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत नहीं। कहते मैंने जरा पार्टी में जाना था, मैं इसलिए कह रही थी। आलिया साहब कहते हैं कि इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, अभी उसकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। उठ के जो है चले जाते हैं, सीधा करीम के कमरे में जाते हैं। कहते हैं करीम बेटा क्या हाल है, मैंने तुमसे बात करनी थी। बाप बेटे की बात तो होना ज़रूरी होती है। मैंने कहा तुम्हें बता दूं आज कोर्ट में हमारी हियरिंग थी और मेरी और तुम्हारी मॉम की डिवोर्स हो गई है। वो कहते हैं जी पापा।
वो कहते हैं, और तुम बताओ तुमने आज सारा दिन क्या किया। करीम कहता है, पापा कुछ भी नहीं, बस स्कूल गया, काम किया और वापस आ गया। कहते और कुछ? कहते नहीं, और कुछ भी नहीं किया। कहते अच्छा चलो ठीक है, तुम फिर होमवर्क करो, मैं सोने जा रहा हूँ। वो उठ के हालत साहब बाहर चल पड़ते हैं। वो कमरे से बाहर निकलने लगते तो करीम पीछे से आवाज़ देता है, वो कहता है, पापा बात सुने, मुझे आपको एक बात बतानी है, आज मैं मोम से मिला था। तो हालत साहब भुगते, कहते अच्छा मोम से मिले थे, तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मोम है, मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं मिला, मना करूंगा कि तुम उनसे ना मिलो, तुम्हें मिलना चाहिए उनसे। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। अलियान पार्टी में मौजूद होता है, पार्टी में डांस चल रहा होता है। उसी टाइम जो है आलिया भी उस पार्टी में कोर के साथ आ जाती है। जब वो अलियान को देखती है तो कहती है कि ठहरो, मैं ज़रा अलियान से बात करके आती हूँ। उसका भाई कहता है, मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ इसके लिए इतनी क्यों जमा होती है, एक खुश तरीन इंसान है ये रोबोट जैसा, फिर भी लड़कियाँ इसके लिए दौड़ती हैं। खैर आलिया वहाँ पर जाती है और कहती है कि मैंने सोचा तुम्हें जो है पूछ लूँ, हाल चाल पूछ लूँ, क्या हाल है तुम्हारा, मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मैं आज़ादी से घूम फिर सकती हूँ। इतनी देर में ज़हरा भी वहाँ पे आ जाती है पार्टी में। ज़हरा को देख के जब देखती है कि आलिया भी इस पार्टी में है तो उसके पास आती है, कहती है कि तुम्हारी अभी तक एटीट्यूड तुम्हारा बदला नहीं, तुम वैसे की वैसी ही हो। आलिया जो है थोड़ी सी और चौंकियाँ मार के कहती है, हाँ हाँ मैं क्यों बदलूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी, और जो है बातें करने लग जाती है। ज़हरा कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं चलती हूँ। ज़हरा जाने लगती है तो आलिया जान के आगे टांग अड़ा देती है, जिससे जो है ज़हरा गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, कोहर जो आलिया का भाई है वो फटाफट उसकी वीडियो भी बना लेता है, और उसके बाद जो है अपनी इस हरकत पे आलिया बहुत ही खुश होती है कि सबके सामने ज़हरा की बेइज्जती हुई, वो गिर गई। वो अपने भाई से कहती है चलो आओ चले, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब देखना अगले दिन की हेडलाइन। उसका भाई बताता है कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो कहते वाह ये तुमने कमाल कर दिया, अब जो है कल की न्यूज़पेपर पे ये खबर छपेगी कि नशे में धुत होकर ये गिर गई। और दोनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह ज़हरा अपने कमरे में सोई होती है कि हालत साहब गुस्से से आते हैं, उसको उठाते हैं कि उठो ये क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर पर खबर छप गई होती है और साथ वीडियो भी आ गई होती है जिसमें जो है ये गिरी थी ड्रिंक पी के। तो कहते तुम कब अपनी हरकतें छोड़ोगी, अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं तो मैं तुम्हें कनाडा भेज दूंगा और कभी दोबारा वापस नहीं बनाऊंगा, ये याद रखना। कहते डैड मैं आपसे सॉरी करती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हालत साहब कहते हैं तुम्हें लास्ट वार्निंग है, मुझे ऐसी हरकतें नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ज़ैनब यिल्डिज़ से पूछती है क्या तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली जॉब लगी, वो कहते हैं हाँ लगी, कल से सुबह से मैं दोबारा जॉब पर जाऊँगी। ज़ैनब अपने ऑफिस में अगली सुबह चली जाती है। ऑफिस में उनको अलियान साहब की कॉल आती है और कहती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, इसलिए कुछ जरूरी काम करने ये वाली फाइल लेके मेरे घर आ जाओ। ज़ैनब कहती है अच्छा मैं लेके आ जाती हूँ। आलिया साहिबा सोई होती हैं तो कोहर आता है, उनको उठाता है कि उठो तुम्हारे लिए बिग न्यूज़ लेके आया हूँ मैं, ये देखो इंटरनेट पे खबर छप गई है, न्यूज़पेपर में भी आ गई, ये वीडियो देखो ज़हरा के गिरने की। खबर पढ़ते ही जो है आलिया बहुत खुश होती है, कहते तुमने तो मेरा आज का दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। कोहर कहता है कि उठो चलो चले, आज हमने रिंग को बेचना है ताकि हम आगे के प्लान के मुताबिक काम कर सकें। आलिया कहती चलो ठीक है चलते हैं। ज़ैनब जो फाइल देखे अलियान साहब के घर जाती है, अलियान साहब कहते हैं ठीक है मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, तुम ऐसा करो तुम्हें सूप तो बनाना आता ही होगा, तुम जाके जब तक मेरे लिए सूप बनाओ मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, यानी नहा के आता हूँ। ज़ैनब थोड़ी हैरान होती है, कहती है चलो चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। दूसरी तरफ जो है आलिया साहबा रिंग बेचने के लिए कोहर के साथ जाती है, कहती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जहाँ से मैं करोड़ों की चीज़ें लेती थी अब मैं उनको क्या कहूँगी कि मैं ये मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये रिंग मैं बेचने आई हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और कहता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, तुम कोई ना कोई तो हल निकाल ही लोगी। खैर वो ज्वेलरी शॉप में जाती है और बताती, पहले तो आलिया वहाँ पर जाकर कहती है ये वाली रिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं जा रही हूँ वेकेशन पे, वेकेशन से आके मैं ये ले लूँगी, ये रख लीजिए। फिर वो आखिर बातें बातें अपनी असली लाइन पर आ ही जाती है कि असल में ये रिंग मुझे बेचनी थी, और क्योंकि अब मैं कुछ और इससे बोर हो गई हूँ, ये रिंग जो है मेरे लिए लकी साबित नहीं हुई, इसलिए। वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसकी वैल्यू हम रिकॉर्ड में चेक करके अभी आते हैं। दूसरे तो अंदर जाते हैं, सीधा जाके हालत साहब को फ़ोन करके बता देते हैं कि आपने जो रिंग ली थी और वो आलिया साहिबा बेचने के लिए आई हैं। तो आलिया साहब पूछते हैं इसकी रिंग की क्या प्राइस है, तो वो कहते हैं 2000 US डॉलर। आलिया साहब कहते हैं इसको 1000 US डॉलर में ले लो, 2000 US डॉलर में मैं तुमसे खुद ले लूँगा बाद में। वो कहते हैं जो हुक्म आपका सर। दूसरा ज़ैनब भी जो है सूप बना रही होती है, सूप बना के लेके आती है। अलियान साहब कहते हैं ये क्या है, वो कहते हैं सूप है। वो कहते हैं ऐसा सूप मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे वेजिटेबल सूप चाहिए, इस तरह का सूप नहीं चाहिए, जाओ इंटरनेट पे रेसिपी देखो वेजिटेबल सूप लेके आओ। आलिया कहती जी अभी अभी लेके आती हूँ।
वो सूप लेके किचन में चली जाती है और बुड़बुड़ाने लग जाती है कि देखो तो सही है कि इतनी मेहनत की, मैं क्या कुक हूँ जो इसके लिए यहाँ पे सूप बनाती फिरूँ। आपस ऐसे मुंह पे बोल रही होती है, पीछे से अलियान आता है, आ जाता है, अच्छा क्या बोल रही हो जरा मुझे भी तो बताओ, अगर रेसिपी नहीं आती तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खैर आलियान कहता है आ जाओ इधर, और जब वो जैनब जाती है डाइनिंग रूम में तो देखती है वहाँ पे सूप और खाना वगैरह लगा हुआ है, कुक खाना लगा रहा था। कहते हैं अलियान साहब आपने तो कहते कुक छुट्टी पे है। वो कहते हैं चलो बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे, आओ खाना खा। यहाँ पे एपिसोड 11 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मुश्किल फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।